हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस से पहले का रॉ। और यहाँ पर WWE ने कई सारी बड़ी चीजें अभी से ही कंफर्म कर दी है। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अब बस हम एक ही हफ्ते दूर है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर से। और आप सबको बता दूं कि इस वीक का सेमीफाइनल जो कि होने वाला है बैरन कॉर्बिन वर्सेस रिकोशे वर्सेस समोआ जो के बीच, और जो भी इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जीतेगा वो रॉ की तरफ से जाएगा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में। इसलिए कह सकते हैं ये रॉ में हमें फाइनली पता चलते हुए दिखेगा कि आखिर रॉ की तरफ से कौन जाता है फाइनल में, और मेरी पिक रहेगी रिकोशे के लिए। इसके अलावा बात करें अपने अगले मैच के बारे में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच। और ये मैच WWE ने शायद इसलिए कंफर्म किया है क्योंकि पिछले वीक OC ने बैक स्टेज अटैक किया था सेड्रिक अलेक्जेंडर पर। अब यहाँ पर कुछ चांसेस है कि हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि एजे स्टाइल्स यूनिवर्सल टाइटल के आसपास घूम रहे हैं। अब हो सकता है कि अगर WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस के मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनवाना चाहती है तो वो ऐसा कर भी सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिलेंगे इसके थोड़े कम चांसेस। इसके अलावा बात करें अपने अगले मैच के बारे में, तो वो है फोर हॉर्स वुमेन के बीच या कहीं हमें एक टैग टीम मैच में WWE के फोर हॉर्स वुमेन साशा बैंक्स, बेली, शार्लेट एंड बेकी लिंच कंप्लीट करते हुए दिखेगी, जहां पर एक टीम में रहेगी बेली एंड साशा बैंक्स और दूसरे में बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर। और हम सब जानते हैं बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट थी रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में। इसलिए अब देखना होगा कि यहां पर वो एक टीम में किस तरह वर्क करती है। इसके अलावा बात करें अपने अगले चीज के बारे में जो कि कंफर्म हो चुका है, वो है एक सिंगल्स मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस ग्रैंड मेटालिक के बीच। अब ये मैच तो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि दोनों एक हाई फ्लायर है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डोमिनिक के उस इमोशनल स्टेटमेंट के बाद जो कि हम सबने 3 वीक पहले देखा था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, क्या इसके बाद रे मिस्टीरियो हमें थोड़े अलग रूप में WWE में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा बात करें अपने अगले चीज के बारे में जो कि हो चुकी है ऑफिशियली कंफर्म, और मैंने आप सबको ये बताया भी था, यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न। और वो सिर्फ हमें रिटर्निंग करते हुए नहीं दिखेंगे, वो मॉडरेट करने वाले सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के यूनिवर्सल टाइटल मैच को जो कि होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को, जैसा कि हम सबने पिछले वीक मंडे नाइट रॉ देखा था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जहां पर मॉडरेट कर रहे थे माइकल कॉल, पर वो फेल हो गया OC के इंटरफेरेंस के कारण। लेकिन इस बार माइकल कॉल की जगह होने वाले स्टोन कॉल स्टीव ऑस्टिन। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आप सबको बताया कि इस सेगमेंट के दौरान हमें एक काफी बड़ी शॉकिंग चीज होते हुए दिख सकती है। इसलिए अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप इजिली क्लिक कर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बट अब बात करें रोमन रेंस के बारे में, तो आप सब जानते हैं पिछले 2 वीक से हमें रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को नहीं मिल रहे, और इस वीक वो हमें देखने को मिलेंगे इसके थोड़े चांसेस है, क्योंकि ये होने वाला है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जो कि एक काफी बड़ा इवेंट होगा। और WWE रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार को जरूर लाना चाहिए इस इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि WWE रोमन रेंस की स्टोरी लाइन स्मैकडाउन लाइव में कंटिन्यू रख रही है। बट हो सकता है कि हमें रोमन रेंस का जैसा मैच देखने को मिला था डॉल्फ जिगलर के साथ वैसा ही कुछ इस वीक देखने को मिल जाए, यानी किसी रैंडम पर्सन के साथ। इसलिए कह सकते हैं कि अगर रोमन रेंस आते हैं इस मंडे नाइट रॉ एपिसोड में तो ये एक काफी अच्छी बात होने वाली है रोमन रेंस की। और अगर WWE उनकी स्टोरी लाइन रॉ पर लाती है तो होपफुली वहां पर हमें एरिक रोवन भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर हो सकता है कि रोमन रेंस अपनी बदला लेने की कोशिश करे एरिक रोवन से। और जैसा कि इन दोनों का मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में, हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन सारी चीजों में से कौन सी चीज देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। मैं तो एक्साइटेड हूँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को क्लैश ऑफ चैंपियंस में होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को मॉडरेट करते हुए देखने के लिए। और हाँ, मेरे सेकंड गेमिंग चैनल पर आ चुकी है इस मैच की वीडियो, इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।